चलो स्टार्ट करते हैं। और क्या, ढंडन ढंडन ढंडन, पूरा ढंडन 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 हो रहा है एकदम। हाँ ओके, सेम 10 स्क्वाड्स, 37 बंदे। अब देखते हैं कि जिसे चिकन लिया था, तो वो बंदे चिकन निकाल पाते हैं मीरामार के मैच में। ऑल राइट, तो ओके, बंदे कूदने स्टार्ट कर चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। दो बंदे नज़र आ रहे हैं अल अज़हर तक जाते हुए, और बाकी अभी भी उतरे नहीं हैं। सो चलो, चलिए चलिए, 2 स्क्वाड उतरने के लिए हालत में अजहर तक। बाय द वे, अगर दूसरे टीम्स की बात किया जाए तो एक बार टीम 19 को देखा जाए। और यहाँ पे उतर गया टीम 24 वर्सेस टीम 16। टीजेड की टीम आराम से खेल रही है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है। और टीम 16 लूटने में बहुत बिजी। चलिए टीम में 6 को देखते हैं एक बार। ओके, टीम 6 अभी फिलहाल, और सामने टीम 3 का स्पाइक ही सामने। एक नेट करने की कोशिश, लेकिन बहुत सामने नेट कर दिया आई थिंक। ओके, स्पाइकी को थोड़ा सा डैमेज, आई थिंक निशाना उन पे ही जाना चाहिए, नहीं तो स्पाइकी यहां से निकलेगा और एक स्प्रे नहीं दे पाएगा। मुझे पता है ये, क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट है और निकलने की कोशिश बहुत ज्यादा हाई। सो चलो ठीक है, टीम 12। सामने लिटरली बोला जाए तो टीम 11 के बंदा, मतलब एकदम स्प्रेड किए हुए हैं। टीम 11 वर्सेस टीम 12, टीम 12 निकलने की कोशिश होगी। ऑब्वियसली ये निकलने का कोशिश होना चाहिए, क्योंकि पहला जोन है, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिला है जोन के लिए। सो आराम से खेलना बहुत अच्छा होगा। बाय द वे, एक्स पावर को थोड़ा सा स्प्रे करने की कोशिश, लेकिन आई थिंक निकल जाएंगे यहाँ पे। दूसरे टीम्स फिलहाल सेफ है, और 3 स्क्वाड जो कि 3 स्क्वाड है उसके को मैं एक बार देख रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत होनी चाहिए टीम 6 को भी। टीम 3, 6 vs 3, यहाँ पे भी लड़ाई लग चुकी है। और यहाँ पे टीम 24 वर्सेस टीम 16, कॉमरेड सामने ऑलरेडी 20 HP में रहते हुए, और टीम 24 का एक बंदा सामने खुद का, मतलब दो दो बंदे में आई थिंक बढ़ चुके हैं, क्योंकि सामने एक बंदा ऑलरेडी होना चाहिए। अगर नॉकआउट बंदे को अगर खत्म करने के लिए, या तो ADS देने के लिए, रणनीति अच्छा है, लेकिन अगर टीम 16 अगर मिलके मारे तो दिक्कत वहां पे हो जाती है। तो कॉमरेड आई थिंक थोड़ा सा शॉट लेने की कोशिश होगी। मिहॉक
आगे आने का कोशिश तो बराबर चल रहा है, लेकिन टीम 24 4v4 का मामला है, सो रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है टीम 16 को। ओके, एक बंदा को यहां पे नॉकआउट तो कर दिया, लेकिन खुद भी नॉकआउट हो गया है मिहॉक। कॉमरेड आगे आने की कोशिश, एक लॉन्ग थ्रो मारना पड़ेगा। और राइट नेट मारना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे नॉक होने का चांसेस बहुत लो है। नॉट सेटिस्फैक्टरी। यस, स्मोक करने का कोशिश हो रहा है टीम 24 का, आगे जाने का कोशिश, लेकिन जा पाएंगे या नहीं वो उनके ऊपर है। नहीं, टीम 16 का धड़ाधड़ फायर तो स्टार्ट है टीम 24 के ऊपर। फिलहाल बिना नाम का बंदा तो नॉकआउट हो गया टीम 3 का, और टीम 6 का बंदा सामने आते हुए ना भी ओपी पहुंच तो गए हैं, लेकिन नॉकआउट मेन बात है। दो बंदे मीना मार के, क्या बोलते हैं इसको बाय द वे। ओके, खत्म किया स्मोकी ने, और सामने स्पाइकी, दो बंदे के साथ भिड़ेंगे स्पाइकी। दो नहीं, तीन बंदे, और यहां पे स्पाइकी भी गया। गॉड जी सामने थोड़ा सा स्प्रे करने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा के हो गया, और टीम 24 निकलने की कोशिश। नाभी ओपी को यहाँ पे नॉकआउट किया है, बहुत बढ़िया। ओके, स्पाइकी भी खत्म, बिना नाम का बंदा भी खत्म, और यहाँ पे स्पेंस भी नॉकआउट, लास्ट बंदा गॉडजी। खेल दिखाना पड़ेगा गॉडजी को भी, क्योंकि बहुत एक ऐसी लिटरली एक किल्स है गॉडजी का, और सामने एक स्क्वाड को मारने वाले टीम 6 के। स्पेंस को पूरा पूरी खत्म किया है, एपी पे स्विच किया है। गॉडजी को देखते हैं एक बार। ओके गॉडजी, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया खेला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, दूसरा नॉकआउट, नाइस नाइस नाइस, किल को कंफर्म किया है गॉडजी, बहुत अच्छा खेल है, बहुत अच्छा। वो पूरा स्क्वाड खत्म। ओ भाई, टीम 3 ओपी भाई, ओपी, अकेले 3 किल्स, नाइस 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 नाइस। ये होता है पैनिक का धमाल। आठ आठ बंदे, आठ स्क्वाड और 26 26 बंदे। नाइस 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 नाइस। पहला जोन है ये, मतलब क्या ही बताऊं कि कैसा लग रहा है मुझे। दो स्क्वाड जा चुका है, ठीक है, मीरा का मार का मैच है, सो चलो ठीक है, एंडिंग के बाद पता चल जाएगा।
चलते हैं हम लोग टीम 12 पे। टीम 12 का एक बंदा ऑलरेडी नॉकआउट है और एक बंदा सामने आ गया। टीम 5 का पूरा स्क्वाड सामने। ओके, एक्स पावर के ऊपर है क्योंकि लास्ट 3 बंदे तो जा चुके थे। और QGZ सामने 2 बंदे, ADS देने के लिए एकदम सज्ज है एक्स पावर। अगर 2 बंदे यहां से वहां नहीं करे तो ओके, दूसरा बंदा नॉकआउट। एक नेट करने की कोशिश, क्लच गॉड भी खत्म, प्लेइंग ऑल फिर से बचा हुआ है। ओके, ओ भाई ये क्या हुआ, जो जो सोचे थे वो खत्म नहीं कर पाए। ओ, इसी के साथ टीम 12 भी खत्म होते हुए है। टीम 5 को 4 किल्स मिलते हैं, 7 स्क्वाड और 12 बंदे। सेकेंड जोन आएगा, 1 मिनट बचा हुआ है पहला जोन खत्म होने के लिए। सो चलो, भाई सारे के सारे बंदे तो अभी भी मतलब फिलहाल सेफ है, ठीक है। लेकिन मीरामार का मैच है ना, मेन बात ये है कि मीरामार है। सो बंदे का थोड़ा सा टाइम लगेगा, जोन को थोड़ा सा छटने देना पड़ेगा और उसके बाद लड़ाई देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है, लेकिन हाँ मैं बता दे रहा हूँ कि जॉर्ड जी अकेले 3 बंदे को खत्म करने वाले। थोड़ा सा अच्छा से अगर खेले ना तो अच्छा पॉइंट कमा सकते हैं। बाय द वे 7 स्क्वाड बचे हैं, सो 22 बंदे, ऑल राइट। लेकिन मेन बात है कि किल कौन मैटर करता है। अगर एक बंदे अगर सपोज कि 10 किल्स ले लेते हैं और 5वें पोजिशन में है तो ऑब्वियसली उनका रेट हाई होगा स्कोर पॉइंट। जोन में है आराम से, जोन के बीचों बीच, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाय द वे टीम 5 पे अगर चलते हैं, बंदे आ रहे थे लेकिन टीम 19 आई थिंक ये। ओके, स्टार्ट हो गया टीम 5 का फायर। टीम 19 का 2 बंदा लिटरली एक रॉक पे फंसा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं फायर का बौछार जारी है टीम 5 का। और टीम 5 सामने जाते हुए थोड़ा तो सा रश करना पड़ेगा क्योंकि स्प्रे जारी है, तो भाई थोड़ा सा जरूरत है टीम 5 को। रिच का थोड़ा सा चांस मिलेगा टीम 19 को भी,
लेकिन टीम जो मेन बात है कि सामने अगर रिज है तो बंदे दिखेंगे, लेकिन मार पाओगे कि नहीं वो श्योर नहीं है। मैंने बोला है ना आवाज नहीं आ रहा भाई, देखो देखो आवाज आएगा। हेलो सर, गुरुसर गुवाहाटी, वेलकम टू स्ट्रीम। और टीम 19 यहाँ से निकलने की कोशिश, लेकिन टीम 5 का धड़ाधड़ स्प्रे जारी है टीम 19 पे। सेकेंड जोन और 2 मिनट लगेंगे जोन को क्लोज इन होने में। स्प्रे कोशिश हो रहा है टीम 5 का, लेकिन काम नहीं कर रहा एक भी स्प्रे, क्योंकि बंदे ऑब्वियसली सामने हैं। लो टीम 7 पे एक बार निशाना साधते हैं, और सामने ऑलरेडी बंदे हैं टीम 18 के। SRB सर पहचाना गुरुसुर गुवाहाटी? नहीं पहचाना। कौन? हेलो कौन? पहचान कौन? चले देखते हैं फिर से टीम 5 को। टीम 19 के सामने से गुजर है और निहाल सामने से गुजर रही है, और पीछे से टीम 5 ऑलरेडी सामने आ चुके हैं देखा जाए तो। और यहाँ पे आई थिंक फायर मिलेगा, एक फायर मिलेगा निहाल को, और पूरा का पूरा नॉक। आगे जाने की कोशिश होगा। होगा कोशिश तो होगा भाई, क्योंकि किल्स मैंडेटरी है। 5 किल्स ले चुकी है टीम 5, और सामने टीम 19 के पास ओनली 3 बंदे। बाय द वे टीम 19 का किंग एक्स गेमर टीम 5 के सामने पहुंच चुका है, और सामने बंदे ऑलरेडी आते हुए 21 बंदे बचे हैं। बाय द वे लिटरली एक बंदा पीछे है, एक बंदा। दो बंदे के साथ टीम 19 खेल रही है, और टीम 5 यहाँ पे आराम से घूमने की कोशिश। भाई मतलब बंदे का कंसंट्रेशन लेवल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मारने से नहीं होता है, टैक्टिक्स मैटर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। बंदे जोन के अंदर तो दूसरे डिवाइस। HUB सर, इट्स योर गास्ली। ओह गास्ली, तो मैं कैसे पहचानूंगा बताओ? तो बोल रहे हो गास्ली, अब इसमें नाम है गोरुसूर गुवाहाटी, बताओ यार। और बंदे लिटरली जोन में घुस गए हैं, अभी थोड़ा खिंच गया, खिचड़ी मचेगा मचेगा खिचड़ी तो मचेगा ब्रो। सामने टीम 3 का एक बंदा नजर आ चुका है, और गॉडजी टीम 7 निकलते हुए प्ले जोन से बंदा नॉकआउट हो गया यार। SRB लूसियस
सामने टीम फाइव का बंदा 20 HP में रहते हुए पीछे से एडी देने की कोशिश और एक नेड पीछे से भी नॉकआउट किया है बंदे को और ये किल लेता है टीम फाइव। बहुत बढ़िया, सामने से मारने की कोशिश हो रही है लेकिन सामने टीम सेवन भी आते हुए मिस्टर गैली। टीम सेवन का एक ही बंदा संभाल रहा है फिलहाल और बात किया जाए टीम फाइव का, एक बंदा तो जा चुका है नॉकआउट, दूसरा बंदा ऑलरेडी डाउन और टीम फाइव को फायर देने की कोशिश। बिरादर डूम बूम एक्स डूम बूम 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 ओके, बहुत सही फायर, फोरेक्स का स्प्रे मिस्टर गैली को भी नॉकआउट कर दिया फिर से और टीम सेवन का एक बंदा जाते हुए और यहाँ पे डीबीएस पकड़ के जा रहे थे लेकिन एडीएस करके खत्म कर दिया स्प्रे से। 18 vs 5 नो किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं एफबीएस की टीम, फिर से स्टार्ट किया एडी भाई, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो एफबीएस टीम को। टीम 18 के सामने अगर यहां पे गूंज करती है तो भाई बात डेंजर होगा, 6 स्क्वाड 15 बंदे भाई। मैप हटाओ भाई, मैप तो हटा दिया ब्रो, भाई स्टैडी तो मतलब जहां नजर आएगा वहीं पे फोरेस का स्प्रे देगा एम4 का। बंदे लोग स्ट्रीम स्पाइन कर रहे हैं और स्ट्रीम स्नाइप, ठीक है चलो थोड़ा सा डिले और लगा देंगे नेक्स्ट मैच में, क्या दिक्कत है मतलब कल से। और अपने टीममेट के सामने जाने की कोशिश एफबीएस शेडी, ऑलरेडी शिवा जा चुका है और डूम बूम एक्स को नॉकआउट किया बिरादर सामने अकेला। आने जाने का कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ओके स्टैडी को नॉकआउट करने की कोशिश। ओ भाई ये घड़ी उलझी बात कर दी तूने ब्रदर, शेडी नॉकआउट नाइस कॉमरेड। ज़्यादा अकेला बंदा और यहाँ पे टीम फाइव, शेडी आई थिंक जान गवाह बैठेंगे, दो बंदे के साथ खेलना पड़ेगा। बाय द वे कलर एक्स वाईटी ऑलरेडी एक किल्स का भी अभी तक ये 6 किल्स ले चुके हैं ऑलरेडी और शेडी ने अभी तक फिलहाल किल नहीं दिया तो शायद उनको थोड़ा सा चांस देंगे किल्स करने की। थोड़ा सा मतलब डैमेज देने की कोशिश सारे टीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो डैमेज देने का कोशिश तो चल रहा है लेकिन नॉकआउट निकाल नहीं पा रहे फिलहाल टीम एफबीएस। टीम 24 का फायर टीम 5 पे, एक बंदा ऑलरेडी जा चुका है सो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जोन स्टार्ट हो चुका है, 46 सेकेंड जोन को आने के लिए और बिरादर ऑलरेडी वेट कर रहा है सामने। चलो ठीक है ये अकेला ही, इसको नहीं दिखाते और टीम 19 बॉल दिखा लिया मैंने उसको। ओए कैप्टन अल्फा तेरे को क्या हुआ भाई, ये बंदा तो रुक गया। ये बंदे 14 14 बंदे 6 स्क्वाड देखते हैं चलो। ये भी आई थिंक अकेला बंदा है ना नॉक्सी,
हाँ गॉडजी अकेला भाई लोग। अच्छा हाँ, पांचवा जोन बस बस खत्म होने वाला है। प्रे करेंगे क्या? लेकिन रीज होगा आई थिंक सामने टीजर किलर के। पांचवा जोन, ओ थोड़ा सा स्प्रे देने का कोशिश तो किया लेकिन थोड़ा सा एचपी निकाल पाया टीम 11 का, टीम 24, और आखिरकार जोन बन गया। टीम 11 का भी भरपूर फायर डैमेज लेते हुए एक्स्ट्रा। माय मिनी 14 तो मेरे से चलती नहीं कभी। आगे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहां से गॉडजी फायर करने की कोशिश। चार तीन बंदे ऑलरेडी ले चुके हैं अकेले, और आगे जाने की कोशिश अकेला बंदा है लेकिन वो मानना पड़ेगा। ओके यहां पे उतार दिया और ये किल लेगा। टीम 11 का एक बंदा खत्म। भाई ये डेंजर बंदा यार। ऑल राइट, टीम 5 के तरफ जाने की कोशिश हो रही है। ओ गॉडजी 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 भाई लिटरली ये बचा है। टीम 5 पे चलते हैं। ओ एक्स्ट्रा नॉक। टीम 19 किल लेने की कोशिश हो रही है। अपना किल कंफर्म करना जरूरी है। किंग एग्जेमर खत्म होते हुए। ओ रुद्रा को भी नॉकआउट किया है बंदे ने। बहुत बढ़िया भाई, गॉडजी तो एकदम बजा रहा है यार। मतलब पीछे रुकेंगे नहीं, अकेले बंदा हुआ तो क्या हुआ। ओ इसका किल छीन लिया गया गॉडजी का, ये जानता नहीं भाई। तुम्हें अब पता चला इसको। गॉडजी किल छीन लिया गया। 15 किल्स एफबीएस अभी भी करते हुए। अब टीम 11 पे निशाना, गॉडजी सामने। ओके जोन में तो आ गए। 1v3 का मामला है, टीम 5 वर्सेस टीम 3। बहुत क्लोज नेड। टीम 11 भी खत्म होते हुए 1v3। अब आएगी टीम 5, चिकन होगा। भाई गॉडजी ने बहुत ट्राई किया यहां पे बोला जाए तो, बहुत ट्राई किया है। छठा जोन,
ओ भाई गाड़ी उड़ा उठा उड़ाने की कोशिश। ओके आगे जाने की कोशिश होगी। ओ भाई सो क्लोज, जोन में तो आ गए। इसी के साथ सेकेंड मैच ख़त्म होता है। सो लेट्स गो टू थर्ड मैच। ओके आईडी पासवर्ड ऑलरेडी है मेरे पास और मैं भेजता हूँ इन लोगों को। चलो
गाइस चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट मैच शैनॉक मैच 5 सॉरी डे 5 मैच 3। हाँ भाई This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ओके 8 टीम्स और 26 बंदे। लास्ट मैच शैनॉक का। बहुत बढ़िया टीम 3 सामने टीम 18। भाई खाली एक बंदा बचा हुआ है गॉडजी। दो किल्स तो ले चुके हैं टीम 3 लेकिन टीम 18 एक किल्स देते हुए टीम 16 का ऑलरेडी दो बंदा खत्म हो चुका है। की खबर एडीएम वेलकम टू द स्ट्रीम। सामने आया तो गॉडजी भाई आराम से ले सकते हैं, कम से कम एक बंदा तो ले ही सकते हैं ना ब्रो। ओ भाई मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया। ओके दूसरे टीम्स के सामने जाते हुए फिलहाल सारे बंदे सेफ है।
विपरीत आमिर कौन से टीम से है भाई? टीम का नाम बोलना और ग्रुप का नाम बोलना, उस हिसाब से मैं बोल पाऊंगा ना कि कौन सा टीम का कब खेला होगा। विपरीत आमिर क्या स्कैम हुआ है क्या नहीं हुआ है, एक बार मैं मुझे चैट में लिखो, उसके हिसाब से मैं जवाब दूंगा। इतना 15 मिनट वेस्ट मतलब क्या? मतलब इतना 15 मिनट वेस्ट मतलब भाई आमिर सिंपल लैंग्वेज में बात करो, क्या है मतलब?
ओके okay. टीम 11 के सामने टीम 5 आ चुकी है, 7 स्क्वाड, 19 बंदे। सर आपने अभी तक हम लोग को ग्रुप में ऐड ही नहीं किया सर। कर दूंगा बोल रहा था, बट अभी तक स्ट्रीम से आईडी पासवर्ड देखना पड़ रहा। पर मिस्टर गैली मैं समझ नहीं पाया, मतलब तुम लोग मतलब इसमें नहीं हो क्या? ओके 3 स्क्वाड में हो गया, 2 नॉक। ओ डीवीएस वर्सेस डीवीएस, 3 नॉक। ओ भाई टीम 6 खत्म, नहीं एक बंदा नजर आ रहा है लेकिन टीम 6 का, और ना भी ओपी पीछे से मारने की कोशिश, टीम 5 का अकेला बंदा यहाँ पे। ओ शिवा ओपी भी नॉकआउट, ये तो स्कैम हो गया टीम 5 के साथ। शेडी मारने की कोशिश टीम 11। ओके टीम 11 इज आउट ऑफ द गेम, और अपना एक बंदा फटाफट रिवाइव करना पड़ेगा क्योंकि सामने से HSX नावी ओपी आते हुए, ऑलरेडी 3 बंदे में खेल रहे थे FBS, तो 3 पर्टिकुलर चिकन तो बराबरी करना पड़ेगा। मिस्टर गैली मुझे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार मैसेज कर दो ठीक है, कि कौन सा टीम में किया, कौन सा ग्रुप में ऐड नहीं किया। ओके एक बार मैसेज कर दो। सीढ़ी की तरफ से एक नेट करने की कोशिश थी, ना पी ओपी निकलते हुए। 6 स्क्वाड 11 बंदे। ओ ना भी ओपी को थोड़ा शॉट देने की कोशिश, लेकिन बग्गी लेके आराम से निकल पाएंगे। ड्रिंक पर ड्रिंक मार रहा है लौंडा। टीम 6 का एक बंदा तो आके रह गया, लेकिन सामने टीम 5 का FBS टीम ऑलरेडी 2 चिकन्स निकाल चुके हैं। सो देखते हैं, रिप्लाई दीजिए सर। हाँ मैंने वही बोला मिस्टर गैली, मुझे एक बार डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज कर दो, सॉरी मतलब डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर मैसेज कर दो मुझे ठीक है। ओ वेरी नाइस, शैडी खत्म होते हुए सामने, और यहाँ पे ये छीन लिया है शुभी ओपी ने FBS की टीम। वेरी नाइस, 5 स्क्वाड 9 बंदे। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे एक बार मैसेज कर दो, मैं एक बार देख के मैं ओके बोलता हूँ। दिक्कत क्या है एक बार मुझे बोलो ठीक है, या कॉल ही कर दो, दिक्कत नहीं है। इसी के साथ टीम 18 पे जाते हैं, तीनों के तीनों और सॉरी चारों के चारों बंदे अभी भी जीवित है टीम 18 के, और 3 किल्स निकाल चुके हैं, बहुत बढ़िया है। इसी के साथ MCL के बंदे के पास जाते हैं, 2 बंदे में खेल रहे फिलहाल। नहीं उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे एक बार मैसेज करो भाई, मुझे एक बार मैसेज करो, मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके बाद क्या मसला है मैं सॉल्व करता हूँ ठीक है। यहाँ से MCL की टीम निकल पड़ी, टीम 19 कैप्टन अल्फा आज अकेला खेल रहा है। क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना पड़ता है ना, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आराम से बात करके कल मैं एक बार फ़ोन करूँगा ठीक है, उस हिसाब से बात करेंगे। ओके 5 5 स्क्वाड 9 बंदे ओनली, और तीसरा जोन स्टार्ट हो चुका है, 2 मिनट का टाइम है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, तो दिक्कत होगी बोला जाए तो।
एक दो तीन चार पांच, ओके मेरे स्क्रीन पर यही है। ओ शुभी ओपी तो भाई पूरा रेज देखे सामने आ रहा है जोन पे। अरे तो सर रास्ता बदला है, नाइस मिहॉक। ये भी सेम है, अकेला बंदा भाई, सारे के सारे टीम निकल गए हैं। बोला जाए तो टीम 3, 6, 11, टीम 16 का 3 बंदा, टीम 5 का 2 बंदा, 19 ऑलरेडी अकेले खेल रहा है, टीम 18 का सिर्फ 4 बंदा बचा हुआ है, और बाकी टीम 2 का 2 बंदा। टोटल मिला के है तो है 9 और 5 स्क्वाड। दिल मांगता है दिल, दिल दिल मांगता है, दिल मांगता है दिलदार सोनिए, तू आज सोनिए। लेकिन एफबीएस के बंदे को लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि एक जगह कभी नहीं रहते, मतलब बंदे खोजने का या टैक्टिक्स ऑब्वियसली है, लेकिन जैसे ऐसा वेट कर करके खेलना नहीं आता एफबीएस को, वो मानना पड़ेगा वो। लेकिन सही बात है, और एमसीएल के सामने आते हुए सुबी बंदे देख चुके, वो बंदा देख लिया ये। ओके शायद आई थिंक नहीं देखा है, नहीं देखा ये। 37 सेकेंड्स और चौथा जोन स्टार्ट हो जाएगा। बंदा ढूंढने का बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन बंदा नहीं मिल रहा है इनको। हमारा ठीक है आइनॉक्स, सब देखते हैं, हम सिर्फ खेलना है, हमें सिर्फ खेलना है। अच्छा यही होना बचा था एमसीएल का। राइट खत्म होते हुए गुंडा अकेले, और ये क्रॉस हेयर भाई मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है ये गुंडा बसते हुए। टीम 18 सामने भाई, टीम 18 मतलब इस बार प्रण ले चुकी है क्या? दो नहीं है तो बस, दो चिकन नहीं हुआ तो सिंगल एक चिकन ले लेते हैं जस्ट टू बी सेफ साइड। जोन से दूर जा रहे हैं गुंडा एमसीएल के। सर व्हाट्सएप में मैसेज दिया हूँ। ओके ओके वेट 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 वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट, बस ये मैच खत्म होने दो ठीक है, जस्ट ये मैच खत्म होने दो उसके बाद मैं फोन करता हूँ ठीक है। वेट वेट जस्ट ए वेट वेट ए मिनट। और डुम्बू मैक्स ने एक बंदे को खत्म करते हुए 4 स्क्वाड, 6, 7 बंदे। अब जा रहा है गुंडा की तरफ, स्कोपिंग तो कर रहा है लेकिन फायर नहीं किया। चलो ठीक है, इसका भी सही है। एफबीएस की टीम बाय द वे जा चुकी है, और टीम अल्फा मिहॉक और गुंडा अकेले अकेले, और बचते हैं टीम 18 के चारों के चारों बंदे अलाइव। पांचवा जोन, ओके 41 सेकेंड्स, क्या होता है देखते हैं। क्यों
क्यूकॉम टीम खेला भाई, ये क्वालिफायर का मैच है ठीक है, मतलब क्वालिफायर में एडीएम की हो है ना, क्वालिफायर मैच माने की हो जिमन टीम रजिस्ट्रेशन कोरी से एतिया होबो पारे जे सीरियस नाय বা ইমান টিম দেখি মানে বেক আউট হৈ গ'ল এনেকাও হ'ব পাৰে ঠিক আছে, কিন্তু মেইন খেলাটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা, চব টিম একদম মানে মানে চাপ'জ কোৱালিফায়াৰ ইয়াতকৈ আছে, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল এনেকা, ছেমি ফাইনেল এনেকা, আৰু ফাইনেলটো মে 10 তক ৰুকনা পৰ ৰহা হো খেলনা কে লিয়ে। আচ্ছা নাৎসুমি सॉरी, लेकिन अब क्या करे यार, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, ऐसा प्रॉब्लम है। बस फटाफट लिपट जाए, क्वालिफायर निकल जाए, बस इतना ही है ठीक है। कैप्टन अल्फा अकेले, ओके मिहॉक हो गया कांड, गुंडा गुंडा स्पॉट करवा चुका है खुद को, और टीम 18 का फायर के लिए 50% में एचपी में रखते हुए। ओ भाई मिस्टर गैली मैसेज नहीं आया, लेकिन ओ सो क्लोज गुंडा, 3 स्क्वाड भाई, टीम 18 इस बार चिकन लेगी शायद, 6 किल्स निकाल चुके हैं यहाँ पे। डुम्बू मैक्स को भी नॉकआउट किया, बहुत बढ़िया टीम 16 अकेला, वाओ जस्ट वाओ। ओके अल्फा कहाँ है, ओ मीहॉक भी गया यार, ओ 1v4, 1v4 क्या लास्ट बंदा। जोन में है ऑलरेडी, ओए यार ये तो खुद को बुला रहा है। ओ अच्छा, 8 साइड टीम अप करना चाह रहा था आई थिंक, लेकिन टीम 18 इस बार चिकन लेगी, समझ गया मैं समझ गया। खत्म, कितना मैचेस खेलना होगा बस क्वालिफायर के लिए, बस 6 मैचेस, जो जो डेट दिया हुआ है ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, और मैं डेली अपडेट दे देता हूँ, जब 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 कोई कोई ग्रुप का मैच होता है तो उसके हिसाब से मैं अपडेट दे देता हूँ ठीक है, कि आज तुम्हारा मैच है, तो अगर कोई बंदे अगर देखते भी नहीं है मैसेज, तो उनको फ़ोन करके बोल देता हूँ कि आज तुम लोग का मैचेस है ये टाइम में ठीक है। और 6 मैचेस, एक हर एक ग्रुप को 6 मैचेस दिया गया है क्वालिफाई होने के लिए ठीक है, सो उस हिसाब से तुमको खेलना पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क ब्रदर बाय द वे, ओके ओके थैंक यू ब्रो थैंक यू। तो उसी के लिए मतलब बोल रहा था। तो इसी के साथ आज का स्ट्रीम एंड होता है, ऑल राइट कल मिलते हैं ग्रुप एफ के साथ, एफ 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 ठीक है, कल मिलते हैं ग्रुप एफ के साथ, सो टाटा बाय बाय गुड नाइट और सी यू, करेक्ट।